क्या आप सभी जानते हैं ना कि दिल्ली के मुख्यमंत्री मेरे पति अरविंद केजरीवाल हरियाणा के ही लाल हैं? सब जानते हैं। 1994 में, 1994 में मेरी इनसे शादी हुई थी। अरविंद जी का परिवार उस समय हिसार में रहता था, बहुत ही साधारण परिवार। उनके पिताजी वहां पर नौकरी करते थे। अरविंद जी का जन्म तो शिवानी गांव में हुआ था, लेकिन उनकी पढ़ाई लिखाई पूरा परवरिश सब हिसार में हुई। कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कि 20 साल बाद ये लड़का देश की राजधानी पे राज करेगा। कोई मामूली बात नहीं है, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है ये बात। अरविंद जी का जन्म 16 अगस्त 1968 को हुआ था, 1968। और ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि उस दिन कृष्ण जन्माष्टमी थी, यानी भगवान कृष्ण का जन्मदिन। ये कोई मामूली इत्तेफाक नहीं है। मुझे लगता है, मैं कई बार सोचती हूं कि जरूर भगवान उनसे कुछ करवाना चाह रहे हैं, नहीं तो गांव में जन्मा एक साधारण परिवार का लड़का और दिल्ली जाके वहां का सीएम बन जाए। अरविंद जी ने जीरो से शुरू किया है, उन्होंने खुद की पार्टी बनाई और पहली बार में ही दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए, है ना अचरची बात। पूरी राजनीति, देश की राजनीति में भूचाल ला दिया उन्होंने। ऐसे ऐसे काम कर दिखाए जो कई साल पुरानी पार्टियां नहीं कर पाई, बड़े बड़े नेता नहीं कर पाए। आज पूरे देश में, पूरी दुनिया में लोग अरविंद केजरीवाल को उनके कामों से जानते हैं। उन्होंने दिल्ली और पंजाब दोनों जगह सरकारी स्कूल अच्छे कर दिए, गरीबों के बच्चों का भविष्य उज्जवल कर दिया, शानदार मोहल्ला क्लिनिक और सरकारी अस्पताल कर दिए, जहां अब मुफ्त और अच्छा इलाज होता है। उन्होंने बिजली फ्री कर दी। पहले इतने लंबे लंबे पावर कट लगते थे, अब 24 घंटे बिजली आती है।